सहसवान से ट्रैक्टर की ट्रॉली चोरी। एक सप्ताह में ही धर दबोचे गए चोर। परिवार के भरण पोषण का एकमात्र सहारा यही ट्रैक्टर है। साथियों, आपके अपने चैनल बोलना तो है पर आपका स्वागत है। चैनल से जुड़े रहने और देश और दुनिया की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करना न भूलें, क्योंकि हम हैं पीपल्स वॉइस। जिला बदायूं के कस्बा सहसवान में ट्रैक्टर पर बैठकर आए कई चोर बड़े आराम से ट्रैक्टर की ट्रॉली चुराकर गायब हो गए। घटना के जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, वैसे वैसे परिवार के माथे पर चिंता की लकीरें बढ़ती जा रही थी। उस परिवार के भरण पोषण का एकमात्र साधन यही ट्रैक्टर था, जिसको चलाकर परिवार की रोजी रोटी चल रही थी। ट्रॉली की चोरी के बाद परिवार पूरी तरह से बेरोजगार बैठा था और ट्रॉली को ढूंढने के लिए परिवार के लोग यहां वहां हाथ पैर मार रहे थे। 7 दिन के अथक प्रयासों और लगातार सुराग जुटाने के बाद पुलिस की सहायता से कल चोरों को मय ट्रैक्टर के पकड़ लिया गया है, लेकिन अब तक चोरों ने ट्रॉली के बारे में कुछ भी नहीं बताया है। घटना 7 दिसंबर रात की है। सहसवान के मोहल्ला पट्टी यकीन मोहम्मद के निवासी चमक की ट्रॉली घर के बाहर खड़ी थी। आधी रात में कई चोर ट्रैक्टर पर बैठकर आए और ट्रॉली को ट्रैक्टर के साथ जोड़कर ले गए। सीसीटीवी कैमरे में भी ये दिखाई दे रहा है कि चोर आते तो केवल ट्रैक्टर लेकर हैं, लेकिन जब जाते हैं तो ट्रैक्टर के साथ ट्रॉली भी है। परिवार इसी ट्रॉली के जरिए मजदूरी करके अपना भरण पोषण करता है। ट्रॉली के चोरी हो जाने के बाद कमाई का एकमात्र साधन भी हाथ से छिन चुका है। ट्रॉली मालिक से जब बात की गई तो वह बेहद दुखी नजर आए और अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में बताया। उन्होंने ये भी कहा कि चोर पुलिस के हत्थे चढ़ने से अब कुछ राहत मिली है, अगर चोर मिल गए हैं तो ट्रॉली भी अवश्य मिल जाएगी। परिजन पुलिस की कार्यकुशलता से प्रसन्न तो हैं, किंतु अभी तक ट्रॉली नहीं मिलने से चिंतित भी हैं। आखिर हो भी क्यों नहीं, उनके घर का चूल्हा इसी ट्रैक्टर और ट्रॉली की कमाई से जलता है और बिना ट्रॉली के ट्रैक्टर भी किसी काम का नहीं है। इस महंगाई के दौर में ट्रॉली बनाने के लिए भी कई लाख रुपए चाहिए होते हैं। नाम है आपका? चमक। चमक भाई कहाँ रहते हैं आप? पट्टी रहते हैं, अकील मोहम्मद पट्टी। सहसवान? सहसवान। अच्छा, साथ में कौन है आपके? मेरा लड़का है जी। अच्छा, क्या मामला है ये बताइए, क्या है बताइए, आप बताइए। ट्रॉली चोरी हो गई हमारी। कब? 8 तारीख को। 8 की रात को। रात को, ठीक है। फिर वो गायब हो गई, हमने पता निकाला, हमने पकड़वाया अभी उनके लिए। अच्छा, कितने दिन? ये तो काफी दिन पुरानी बात है। हाँ, 8 दिन हो गए कल। आज 8 दिन हो गए। तो आप लगातार अपनी ट्रॉली खोज रहे थे? खोज रहे थे हम, पता निकाल लिया हमने, पुलिस को ले आके पकड़वा भी दिया। कल से और अब तक कोई हमारी सुनवाई नहीं हुई है और गई एक चीज है हमारी खाना कमाने की। अच्छा, तो आप पुलिस ने पकड़ लिया तो सुनवाई का कैसी, क्या चाहते हो आप? मतलब हमारी, हमें ट्रॉली मिल जाती। अच्छा, आपकी ट्रॉली अभी नहीं मिली है? नहीं मिली है। और चोर पकड़े जा चुके हैं? हाँ, चोर पकड़ गए हैं। चोर पकड़ गए? दो पकड़ गए हैं। अच्छा, हाँ, और कल से अब तक कोई सुनवाई ना। तो आप गए थे थाने? गए। फिर? हाँ हाँ, बस। अच्छा, ट्रॉली नहीं मिल रही है? मिल रही है हमारी। अच्छा, तो आपने आपने इंस्पेक्टर साहब से बात की थी? जी हाँ। थाना अध्यक्ष कोतवाल ने सहसवान में, उनसे बात की थी? हाँ, कि मिलेगी ये। अच्छा, ये कह रहे हैं मिलेगी ट्रॉली। हाँ। तो अगर चोर पकड़े गए तो फिर तो आपकी ट्रॉली भी मिल जाएगी। कहाँ मिली, कल से अब तक कोई पता ना चला, 24 घंटे हो गए। 24 घंटे हो गए पकड़े हुए। चलिए, तो हम भी बात करते हैं और पता लगाने की कोशिश करते हैं कि क्या मामला है, और अगर चोर पकड़ गए हैं, ये लोग वही हैं जिन्होंने आपकी ट्रॉली चुराई है? हाँ। ये आपको पूरा पक्का यकीन है यही लोग हैं? यही है। अच्छा, वही ट्रैक्टर है जो जो अच्छा, तो ये आपको कैसे पता यही ट्रैक्टर है? हमने वीडियो में देखा, रिकॉर्डिंग लिख ली है और हमने पूरा पता निकाल लिया जब। अच्छा, सीसीटीवी कैमरों में देखा है आपने? अच्छा अच्छा, ठीक है। तो चलिए, हम भी बात करते हैं और उसके बाद कोशिश करते हैं कि ये जल्द से जल्द आपकी ट्रॉली भी मिले, अगर चोर मिल गए तो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।